हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स डाटा एडिटर्स में कौन कौन से टूल बार होते हैं, कौन कौन से एनालिसिस के फैक्टर हैं जिनको आप एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फाइल के पास। फाइल में दिया गया है न्यू ओपन ओपन डाटाबेस। आप कोई डाटाबेस जो ऑलरेडी आपने स्टोर किया है उसको ओपन करना चाहते हैं, अपने डाटा सेट का रीनेम करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अनटाइटल्ड वन करके आपके डाटा सेट का नाम होता है आप उसको दोबारा से रीनेम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन आता है एडिट में। एडिट में इंसर्ट वेरिएबल का ऑप्शन है एंड दिया हुआ सर्च डाटा फाइल इंसर्ट केसेस आप कर सकते हैं। व्यू में क्या फॉर्मेट है, स्टेटस बार, टूल बार, मेन्यू एडिटर दिया गया है। अनदर वन थिंग ट्रांसफॉर्म में, तो कंप्यूट वेरिएबल आपको एक डाटा फाइल ओपन करनी पड़ेगी, उसमें से मैं अब ये डिलीट कर देती हूँ। काउंट वैल्यू एंड केसेस, शिफ्ट वेरिएबल, रिकोड इनटू सेम वेरिएबल, रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, यहाँ पे आप रिकोड कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन। अभी तक मेरे पास कोई भी यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मेट में कभी आपको भर के फॉर्मेट इसको दिखाऊंगी, तब हम अगेन कुछ ज्यादा सीखेंगे। लेकिन इससे पहले जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होती है। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना, एंड नेक्स्ट वन जो एनालाइज का पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको दिया ऑप्शन दिया गया होता है रिपोर्ट का। रिपोर्ट में आपको कोड बुक बना सकते हैं, केस समरी, रिपोर्ट रो की लग से बनानी है, रिपोर्ट कॉलम की लग से बनानी है वो बन जाती है। नेक्स्ट वन आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास क्रॉस टेबल आप निकाल सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसके पास नेक्स्ट वन आपके पास टेबल है। टेबल में मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट्स या कस्टम टेबल बना सकते हैं। कंपेयर मीन्स मीन्स कैलकुलेट करना, बर्न सैंपल, टी टेस्ट लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगा सकते हैं, पेयर सैंपल टी टेस्ट लगा सकते हैं, वन बे अनोबा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल लीनियर मॉडल में क्या क्या है, इसमें दिया है यूनिवेरेट, मल्टीवेरेट एंड नेक्स्ट वन है जनरलाइज लीनियर मॉडल। में आपके पास जनरलाइज लीनियर मॉडल इक्वेशंस हैं। मिक्स मॉडल में लीनियर इक्वेशन दी गई है। कोरिलेशन में बाइब्रेट कोरिलेशन, पार्शियल डिस्टेंस कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। रिग्रेशन आप लगा सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक लीनियर मॉडलिंग है, लीनियर है, पार्शियल लीस्ट स्क्वेयर मेथड है, बाइनरी लॉजिस्टिक है, ऑर्डिनल है, नॉन लीनियर है, या टू स्टेज लीस्ट स्क्वेयर मेथड भी दिया गया है। न्यूरल नेटवर्क है, क्लासिफाइड, टू स्टेप क्लस्टर, के मीन क्लस्टर, ट्री टेस्ट लगाना है, ट्री बनानी है उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। स्केल में आपके मल्टी डायमेंशनल अनफोल्डिंग है, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग है, रिलायबिलिटी एनालिसिस है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में वन सैंपल दिया गया है, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट निकाल सकते हैं। फोरकास्टिंग में आपके पास आप मॉडल सप्लाई कर सकते हैं, सीजनल डिकम्पोजिशंस हैं, सेक्टर एनालिसिस हैं, सीक्वेंस चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल रिस्पॉन्स में आपके पास मिसिंग वैल्यू एनालिसिस, आपकी वैल्यू कौन सी मिस है वो हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें दी है। ग्राफ, ग्राफ में आप अगर आप ग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं तो चार्ट दिया गया है, रिग्रेशन वेरिएबल प्लॉट दिया गया है। यूटिलिटीज में आप इसकी यूटिलिटीज फाइंड कर सकते हैं वेरिएबल की। अभी तक मेरे पास कोई डाटा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इसमें देखेंगे, डाटा फिल करेंगे वेरिएबल में। वेरिएबल के बाद जब भी आप कोई यहाँ पे डाटा फिल करते हैं तो उसके बाद वो डाटा व्यू में आ जाता है। वेरिएबल व्यू में आपके पास नेम है, वो हम कोई भी नेम देंगे, विद और स्पेस, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। आपका क्वेश्चन माना एज का है तो आप एज दे दी, उसमें वैल्यू भर देते हैं हम,
जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, 1 for 30 age के लिए दिया हुआ है, वैसे तो उसको इंटरवल में ही लेते हैं हम, एंड 2 for 40 दे दिया है। इसको पहले हमने क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, एक्चुअली ऐड करना पड़ता है, 2 for 40 इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट वन है किसी व्यक्ति का नाम, नेम, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास बन रहे हैं वो हम देखेंगे। उसमें भी अगर न्यूमेरिकल फिगर है, यहाँ पे हमने एजुकेशन ले लिया है, एजुकेशन में हम जैसे 1 किसी को दे रहे हैं कि उसने यूजी की है, ऐड कर देंगे। 2 दे रहे हैं उसने क्या किया है, पीजी की है, वो हम ऐड कर रहे हैं, तो हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने कहा था कि जो एज है अगर ऑर्डर वाइज है तो ऑर्डिनल नंबर लगेगा, दैट इज वन एजुकेशन है, तो एजुकेशन में कौन सा लगेगा आपका, नॉमिनल नंबर, दोनों ही डिफरेंस है, एजुकेशन आपस में यूजी पीजी लग लग है, तो वो वहाँ पे नॉमिनल मेजर लगेगा। तो ये हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर डाटा में नेम आ गया, तो जितने भी लोगों को आप लेंगे तो उतने भी, जरूरी नहीं यहाँ पे नेम है, या नेम की जगह आप क्या लिखोगे, क्वेश्चंस का नाम लिखोगे, क्वेश्चंस क्या है। अगर यहाँ पे अब माना एज डाल दिया मैंने, तो क्वेश्चन का नाम क्या आ जाएगा, एज, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, एजुकेशन डाल दिया है, तो क्वेश्चन का नाम क्या आ जाएगा, एजुकेशन। तो जो भी आपका क्वेश्चनियर का क्वेश्चन है यहाँ पे ऊपर शो करेगा, और नीचे आपने उस वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, जैसे एज 30 है तो उसको 1 दे दिया, किसी की एज 40 है तो उसको 2 दे दिया, किसी की यूजी है तो उसको 1 दिया जाएगा, किसी की पीजी है तो उसको 2 दिया जाएगा। तो ये फिर क्योंकि हमारा SPSS जो है वेरिएबल उठाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, अगर मैंने लास्ट वीडियो में बताना था कि अगर आपका एजुकेशन जो है वो स्ट्रिंग है, माना स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन लिख दिया हमने, तो वो करेक्टर ही शो करेगा। तो ये क्या करेगा, करेक्टर ही शो करेगा, और ये चीज वैल्यू जो है वो अब स्ट्रिंग में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, कैटेगरी दे दी है जो भी लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू विड्थ जितना भी आपने दिया हुआ है। तो अगेन हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, पूरी तरह से इस वेरिएबल को भर देंगे, फिर आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे, जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप ध्यान में देख लें कि एनालिसिस करना होगा तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम टूल लगाते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बहुत सी चीजों का, जो एजुकेशन का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्टिव के साथ क्या है, एज का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्टिव के साथ क्या है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, कंपेयर मीन के थ्रू जो है हम स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट हम दोबारा से इसकी कोडिंग करके आपको फॉर्मेट बताएंगे।